एज इट इज़ के सबको पता है कि टेक्निकली मैं थोड़ा सा येड़ा हूँ, है कि नहीं? अपना टेक्निकल नोहाव एकदम गंदा वाला है, उतना जल्दी पता नहीं चलता क्या है क्या नहीं, एंड सम टेक्निकल इश्यूज विल ऑलवेज डिस्टर्ब यू सम हाउ और द अदर, तो होते रहता है, नॉट अ बिग डील। तो शुरू कर दें हम लोग। वो एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया था, माइक मेरा कुछ ज़्यादा दब गया था, इसके लिए हमेशा गूगल असिस्टेंस और वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा था, समथिंग लाइक दैट, व्हाट एवर इट इज, अपने को तो पता चलता है नहीं, इल्ला इट जी। ओके सो यस, गुड इवनिंग, शैल वी स्टार्ट? इट्स 4:43 और 4:45 का है, तो कुछ नहीं, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं, आ जाएंगे फटाफट, ज्वाइन हो जाएंगे सब लोग। बाय द टाइम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, एग्जाम्स नज़दीक है सबके, शुरू हो ही रहे कल परसों से, परसों से, तो पढ़ाई अच्छे से करो, और जो भी है डाउट हो तो मुझे पूछते जाओ। कल किसी ने कमेंट में मुझे डाउट पूछा नहीं है, यानी आई डाउट कि पढ़ाई की या नहीं, या समझा या नहीं, या कल सिर्फ टेक्स्ट बुक से जवाब आ रहे थे, सो थिंग्स आर डाउटफुल, लेट अस गो। चलो, सो रेशियो एनालिसिस, एज वी ऑल नो यस्टरडे आल्सो वी हैव सीन रेशियो, रेशियो मीन्स व्हाट? इट्स द रिलेशन बिटवीन टू और मोर फैक्टर्स। तो रेशियो ढूंढना जरूरी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। कल हम लोगों ने छोटे मोटे एग्जांपल्स ले भी लिए थे, बस आज तो उसके ऊपर फुल फ्लेज टॉपिक बन रहा है, राइट? सो व्हाई इट इज डन, रेशियो कैन बी एक्सप्रेस और द रिलेशन बिटवीन फैक्टर्स कैन बी एक्सप्रेस इन प्योर रेशियो, यानी कि दिस इज टू दैट। सेकेंड, इट मे बी एक्सप्रेस इन परसेंटेजेस, हम लोगों को कुछ रेशियो परसेंटेज में आए, राइट? एंड इट मे बी एक्सप्रेस इन रेट, यानी कि डेज में, टाइम्स में, डेटर्स टर्नओवर अपने को टाइम्स में आया था, है कि नहीं? डेटर्स कलेक्शन पीरियड डेज में आया था, सो दोज आर द रेट वाला रेशियोज। सो अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स, अकॉर्डिंग टू द इम्पॉर्टेंस, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द रेशियो, हम लोग उसको ढूंढेंगे परसेंटेज में, या तो रेशियो में प्योर फॉर्म में, या तो रेट के हिसाब से। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज अगर हम करने जाए, तो वी आर हैविंग ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच वी हैव लर्न इन द अकाउंट्स, राइट, विच वी हैव लर्न इन द प्रैक्टिकल सम्स। तो हमारे पास कौन से रेशियो थे? एक बेस्ड ऑन है कोई, बेस्ड ऑन बैलेंस शीट, दूसरा रेवेन्यू रेशियो यानी कि बेस्ड ऑन पीएनएल, एंड तीसरा इट वॉज बेस्ड ऑन कंपोजिट, यानी कि दोनों को मिला के एक चीज हम लोग ने ली थी पीएनएल से, दूसरी चीज ली थी बैलेंस शीट से, और उससे हम लोग ने ढूंढा था रेशियो, राइट? सो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज दिस, देन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव, क्योंकि सम सॉल्व करने में तो ऑब्जेक्टिव ज्यादा नहीं आएंगे, प्रैक्टिकल बेस थोड़ा ही है, राइट? लेकिन ये चीज ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत 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 जरूरी हो सकती है। क्या? सबसे पहली चीज लिक्विडिटी रेशियो। नाउ बेस्ड ऑन द लिक्विडिटी, व्हाट आर द रेशियोज दैट वी हैव? जिन्होंने भी लेक्चर अटेंड किए हैं, हाँ सर आपने फॉर्मूला नहीं दिया, सर आपने इम्पोर्टेंस नहीं दिया, उसके लिए तो आप लोग इंट्रोडक्शन में जा सकते हो, ठीक है? रेशियो टॉपिक फुल फ्लेज किया हुआ है, जिसका इंट्रोडक्शन का लेक्चर अपने पास पड़ा हुआ है, तो वी कैन रेफर दैट। तो इंट्रोडक्शन टॉपिक में आप लोग जाकर उसका रेशियो का पूरा इंट्रोडक्शन लेकर, उसके फॉर्मूलाज लेकर, जो वहां पे नहीं है वो मैंने यहाँ पे दे दिया है, क्योंकि ये चीज़ें ऑब्जेक्टिव के लिए भी जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, वो ज्यादा जरूरी है, बट इस पे भी ध्यान देना है, करेक्ट? सो बेस्ड ऑन लिक्विडिटी वी आर हैविंग करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। लिक्विडिटी तो आपको सबको पता ही है, लिक्विड लिक्विड कैश मीन्स वो कितना कैश आप रखते हो। तो इमरजेंसी में कैश कहाँ से आपको मिल सकता है, या कैसे आप कैश पैदा कर सकते हो, दैट रेशियोज आर योर लिक्विडिटी रेशियोज, और उसमें दो है, एक तो करंट रेशियो और दूसरा है लिक्विड रेशियो। तो यू मे गेट एन ऑब्जेक्ट विद दैट लिक्विड रेशियो इज डैश टाइप ऑफ रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो, लिवरेज रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, यू हैव टू आंसर इट अकॉर्डिंगली, अभी मत करना, ठीक है? आज मैं क्वेश्चन पूछूंगा जरा अलग कल के जैसा पोल फॉर्म में, क्योंकि बहुत सारे लोग टेक्स्ट बुक से जवाब दे रहे हैं। पोल का जवाब मेरे को मिल गया 40%, सिर्फ 40% सही आ रहा था, छी वाह। देन लीवरेज रेशियो, लीवरेज मींस लीवर, कभी और सुना है लीवर? लीवर मींस व्हाट? लीवर इज अ स्मॉल दंडी टाइप ऑफ थिंग व्हिच मेक्स योर वर्क इजी, राइट?
बड़ी बड़ी मशीनरीज में छोटी सी डंडी होती है, उसको थोड़ा सा हिलाओ तो पूरा मशीन हिलने लगता है। तराजू अपना वेइंग मशीन, वेइंग हो रही है दोनों उसमें, पर किससे हो रही है, बीच के इस डंडी से जिसको कनेक्ट किया है। पुली, कोई वैसे पानी निकालते वो चक्कर। सो दो आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स। लीवरेज इज रेशियो हेल्प्स टू रन द थिंग। इट शोज द कनेक्शन, द एग्जैक्ट कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स। तो लीवरेजेस का एक छोटा सा एग्जांपल अपने पास है, डेट इक्विटी रेशियो। कैन समवन टेल मी द फॉर्मूला ऑफ डेट इक्विटी रेशियो? कोई है जो मुझे डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला बोलेगा? 20 लोग हैं, 20 लोग में से कोई एक, वो कैन टेल मी द फॉर्मूला ऑफ डेट इक्विटी रेशियो? एनीवन? देखते कितनी पढ़ाई है, जबकि पता था कल आज मैं रेशियो का रैपिड रिवीजन लेने वाला है, तो कुछ लोग तो होंगे ना ऐसे जिन्होंने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा। डेट इक्विटी रेशियो, एनीवन? जी जी जी, अरे है, एक दो तीन, क्या बात है, बोरो फंड अपॉन प्रेफरेंस, वेरी गुड। एक साथ सब जवाब आते तो समझ में आता है, सब लोग टाइप कर रहे थे, वरना बाद में जो शुरू होते हैं ना वो सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला होता है। वेरी गुड, राइट। सो इट्स अ रिलेशनल रेशियो, बोरो फंड अपॉन इक्विटी फंड या ओनर्स फंड या प्रोप्राइटर्स फंड, राइट। देन कम्स एक्टिविटी रेशियो। अब एक्टिविटी, एक्टिविटी यानी क्या, आपने जो काम किया वो है ना, तो बिजनेस में काम किया, बेचा, खरीदा, इसके लिए स्टॉक बचा, इसीलिए वर्किंग कैपिटल पे फर्क पड़ा। तो स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो, दिस आर योर एक्टिविटी बेस्ड रेशियोस। देन फोर्थ है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम लोग ने रेवेन्यू में चार पांच रेशियो किए, क्या मुझे कोई भी एक ना, कोई भी एक ना, नहीं कोई भी एक ना, कोई कंफ्यूजन हो जाएगा। सबसे पहला प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कौन सा मिलता है आपने? कैन एनीवन टेल मी द फॉर्मूला? द वेरी फर्स्ट प्रॉफिट बेस्ड रेशियो, फॉर्मूला मत बोलो, सिर्फ नाम बोलो। द वेरी फर्स्ट प्रॉफिट बेस्ड रेशियो विच वी हैव फाउंड, सबसे पहला प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कौन सा था आपका? है कोई? अभी पुराना हिंदी पिक्चर होता है कोई, माय गॉड, जो इसका जवाब दे सकता है, एनीवन? एनीवन? द फर्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो दैट वी हैव, ओके, दीपांशु राय सेज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तीन जवाब एक साथ आए, मतलब ये तीनों भी टाइप कर रहे थे, वेरी गुड, राइट। सो प्रॉफिटेबिलिटी बेस जो भी है, तो ये रेशियो मुझे क्यों हेल्पफुल है? मैं अगर रिसर्च कर रहा हूँ कि कितने बिजनेस के, अभी ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री देखते हैं कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, आई विल टेक सम कंपनीज, से टेक सम फर्म्स विद द सेम इंडस्ट्री, दैट इज ऑटोमोबाइल्स, उनका सिर्फ मैं प्रॉफिटेबिलिटी चेक करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कंपनी कैसे चल रही है, ये इंडस्ट्री कैसे चल रही है, अकॉर्डिंगली मुझे बिजनेस शुरू करना है, आई कैन थिंक ऑफ, राइट। सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज यूजफुल फॉर दैट। देन कवरेज रेशियो, तो इट्स ओवरऑल जो भी है based on users, owners ratio, अभी owners के लिए कुछ है ratio कोई जो हम लोगों ने किया? company के owners कौन है? equity shares, right? equity shareholders के लिए कोई ratio किया हम लोगों ने? either in balance sheet or in P&L or in composite, है कोई? only for equity shareholders, anyone? बहुत सारे proprietor ratio किया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किया, रिटर्न ऑन इक्विटी किया, दिस वर द रेशियोज रिलेटेड टू द ओनर्स। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इसमें से किस चीज पे ध्यान दे रही है? भाई एक्सपेंस कितना हुआ, ऑपरेटिंग रेशियो कितना हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ, है ना, डेप्ट इक्विटी कितना है, कैपिटल गेन कितना है, मैनेजमेंट के काम का ये रेशियोज। देन बेस्ड ऑन द क्रेडिटर्स, बोथ लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, करेक्ट। तो क्रेडिटर्स के लिए हम लोगों ने कौन सा किया? क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए हम लोगों ने किया डेट इक्विटी रेशियो, हां। फिर ये सर्विस रेशियो कोई तो आया था, डेट सर्विस रेशियो, जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल सम्स में लिया, नहीं, डेट सर्विस रेशियो इज द व्हाट प्रॉफिट पार्ट यू आर गिविंग देम ऑन द डेट, करेक्ट। फॉर्मूला आई हैव नॉट सेड इन दिस लेक्चर जस्ट बिकॉज के शॉर्ट एंड स्वीट हो तो ज्यादा अच्छा है। एक रिसर्च हुआ कुछ महीनों पहले कि अगर
ऑनलाइन टीचिंग का इफेक्टिवनेस देखना है तो कुछ बच्चों का एक सर्वे किया गया, और मैं तो ऑलरेडी करते रहता हूँ बार बार, आप लोगों को लेक्चर में भी बहुत बार पूछा है, यू हैव सेड कि ऑफलाइन इज बेटर देन ऑनलाइन। तो उस सर्वे से भी यही कंक्लूजन निकले हैं कि ऑनलाइन बच्चे सिर्फ 15 मिनट कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। ये तो रैपिड रिविजन इसके लिए करना पड़ेगा, नाक दबा के मुंह खोलने जैसा है, लेकिन 15 मिनट में पक जाते हो, मैं भी खुद पकता हूँ, तो आप लोग को ज्यादा नहीं पकाऊंगा। ओके, व्हाट इज द कंसेप्ट दैट वी हैव टू रिमेंबर नाउ इज बैलेंस शीट रेशियोज। तो बैलेंस शीट रेशियोज के स्टैंडर्ड मैंने पहले नहीं लिखवाए थे, अब हम लोग लिखेंगे उसके स्टैंडर्ड। ओके, तो सबसे पहला है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला कोई बोलेगा मुझे? द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशियो, फॉर्मूला ऑफ करंट रेशियो कोई टाइप करके देगा? अभी तक वो पोल वाला क्वेश्चन आना बाकी है। पहले मैं पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद तुम लोग को आज पोल डालूंगा, फिर पोल से खोल डालेंगे नोट कहां तक कितनी पढ़ाई हुई। यस, करंट रेशियो का फॉर्मूला, एनीवन? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शार्प, राइट। The liquid ratio is liquid assets upon liquid liabilities, and याद रखना कि इधर standard है 2:1। You may be having an objective कि ऐसा हो सकता है objective कि the current liabilities of the company are 2 lakhs and current assets of the company are 1 lakh. The current ratio is positive, negative, neutral, any of the above. Current liabilities are 2 lakhs, current assets are 1 lakh, the current ratio of the company is positive, negative, neutral, can't say, any of the above, negative, very good. Option B ये भी आ सकता है, okay? The current ratio of the company is dash, dash में ये सकता है, below the standard, above the standard, equal to the standard, or all the above. ऑप्शंस को मैंने चेंज कर दिया, अबाउट द स्टैंडर्ड, बिलो द स्टैंडर्ड, इक्वल टू द स्टैंडर्ड और डैश, एनी ऑफ द अबाउट। तो क्या होगा, द करंट लायबिलिटीज आर 2 लाख, करंट असेट्स आर 1 लाख, देन द करंट रेशियो ऑफ द कंपनी इज बिलो द स्टैंडर्ड, अबाउट द स्टैंडर्ड, इक्वल टू द स्टैंडर्ड और एनी ऑफ द अबाउट। बिलो द स्टैंडर्ड, वेरी गुड, यानी समझ में आ रहा सबको, ये ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट बुक में नहीं है बट इधर से निकल रहे और आप लोग जवाब दे रहे हो, मतलब मेजोरिटी लोग सही से ध्यान दे रहे, एक साथ जवाब आते तो समझ जाने का कि सही आ रहा है। देन स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो एज द नेम इंडिकेट्स, स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल। अच्छा, स्टॉक कौन सा? ओपनिंग, क्लोजिंग, एवरेज। इन स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो डैश स्टॉक इज यूज्ड, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक या एवरेज स्टॉक, ये भी उधर नहीं मिलेगा टेक्स्टबुक में। In stock working capital ratio, dash stock is used. Opening, closing, average, very good, closing, sharps. Then proprietary ratio, तो proprietor कौन है? मालिक है, brother. तो proprietor का fund upon total assets, the ratio is 65%. यानी standard ये कह रहा है कि अगर अपने 1 करोड़ के assets है, तो उस 1 करोड़ में से 65%, यानी कि 65 lakhs कम से कम अपना ओन फंड होना चाहिए। अच्छा, आज जरा आवाज भी खराब है, जरा मतलब कुछ ज्यादा ही खराब है, शायद कल और खराब हो जाए, क्योंकि आज रात को भी प्रेशर है और कल रात को भी प्रेशर है। ओके, तो प्रोप्राइटरी फंड 65%, सी नाउ दिस इज इन परसेंटेज। अब तक हम लोगों ने प्योर रेशियो दिए, स्टॉक वर्किंग कैपिटल के लिए देयर इज नो स्टैंडर्ड रेशियो, रिमेंबर वेरी वेल, ऑब्जेक्टिव में इसको भी घुमा सकते हैं। ओके, द स्टैंडर्ड रेशियो इज फॉर स्टॉक वर्किंग कैपिटल इज 2:1, 1:1, 0.65 और not stated और differs from business to business। तो आंसर आना चाहिए differs from business to business, क्योंकि हर एक जन अपना अपना डिसाइड करेगा कि हम कितना स्टॉक रखेंगे और कितना वर्किंग कैपिटल रखेंगे, राइट। डेट इक्विटी रेशियो, इट्स अगेन बोरो एंड ओन के बीच का रिलेशन, बराबर। देन कैपिटल बेयरिंग रेशियो, तो फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग फंड अपॉन नो इंटरेस्ट बेयरिंग फंड। रेवेन्यू स्टेटमेंट में कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है, इसके लिए मैं ज्यादा इसके पीछे पढ़ने वाला नहीं हूँ। आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट है कि इंट्रोडक्शन लेक्चर देख लेना और सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेना, बिकॉज फॉर्मूला बेस्ड आंसर्स
विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स। मिनिमम दो से तीन सम आपको आएंगे ही इस टॉपिक से भी, हर टॉपिक से दो दो तीन तीन संबंध है। ऑन एन एवरेज पूरे पेपर में 6 सम के आसपास बनेंगे सॉल्विंग केस। ओके, सो ट्रेन योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। देन कंपोजिट रेशियो, कंपोजिट मतलब मिक्स, एक आइटम पीएनएल की है और एक आइटम बैलेंस शीट की है। तो सबसे पहला उसमें है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, सिर्फ ओन फंड, सिर्फ बोरोड फंड और बोथ। कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्लूड्स डैश ओनली ओन फंड, ओनली बोरोड फंड, ओन फंड प्लस बोरोड फंड, ओन फंड माइनस बोरोड फंड। कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्लूड्स डैश, कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्लूड्स डैश ओनली ओन फंड, ओनली बोरोड फंड, ओन फंड प्लस बोरोड फंड, ओन फंड माइनस बोरोड फंड। एनीवन, ये भी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, यहीं से आएगा। एनीवन आएगा, टाइप कर रहे हैं। अब मेरे को अंदाजा आ गया कि तुम लोग टाइप करते हो ना तो जवाब नहीं आता। वेरी गुड, वेरी शार्प्स। ओके, ओन फंड प्लस बोरोड फंड, ये बनता है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। वेरी गुड करिश्मा, बहुत अच्छा दिमाग लगाया। अदर्स ऑल्सो कैन अडॉप्ट द सेम थिंग, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखो, नॉट एडिशन चलेगा। ओके, OF and BF, BF मतलब borrowed fund, ठीक है। मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ, कोई दूसरा मीनिंग लेने का नहीं। आगे when written on proprietor's fund, proprietor's fund includes dash only own fund, only borrowed fund, both or difference, only own, only borrowed, both or difference, proprietor fund includes dash only own, only borrow, difference or both. Okay, very good. On that, return on equity capital. Okay, equity capital also includes preference capital. True or false? Equity capital also includes preference capital. True or false? Equity capital also includes preference capital. True or false? अभी इसमें भी एमसीक्यू देना चाहिए ना, पहला ऑप्शन ट्रू, दूसरा ऑप्शन फॉल्स, तीसरा ट्रू एंड फॉल्स, चौथा ट्रू और फॉल्स। वेरी गुड, फॉल्स। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल एज एन इमीडिएट्स, उसमें सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स लेस लॉसेस लेस फिक्टिशियस असेट ही आना चाहिए। डिविडेंड पे आउट रेशियो, दिस विल बी इन योर परसेंटेजेस, तो यू मे बी आस्क सम क्वेश्चंस। डेटर्स टर्नओवर रेशियो एंड क्रेडिटर्स टर्नओवर, डेटर्स कौन है, जिनको हम माल बेचते हैं वो या जिनसे हम माल खरीदते हैं वो। मेरे पास एक इधर 12th का बच्चा है, उसको भी पूछता हूँ, डेटर्स कौन है, माल खरीदते हो या बेचते हो? माल जिससे बेचते हो, इधर इधर 12th से जवाब आया बेचते हो। अभी देखते कि मेरे एसवाई वाले क्या बोलते हैं। एसवाई जी सोल्ड, वेरी गुड। ओके ठीक है, वेरी गुड, बेचते हैं। ओके, सो क्रेडिट सेल्स अपॉन डेटर्स प्लस बिज रिसीवेबल। On the other hand, creditors turnover क्या बोलता है अपने को, credit purchase upon bills payable plus creditors, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक पिछले 18 मिनट में जो भी डिस्कस हुआ है सबके दिमाग में आया है। अब देखते हैं कि कितना दिमाग में आया है। तो केबी से आप लोग के सामने शुरू हो रहा है, ठीक है, एक एक क्वेश्चन आते जाएगा, मैं यहीं पे खड़ा रहूँगा और मैं आप लोग के पोल देखते जाऊँगा कि कितना जवाब कौन दे रहा है। हाँ, बहुत सारे आज तुम लोग को शैडो दिख रहे होंगे ना यहाँ पे, आज मैं टेक्निकल टीम बिठा के बैठा हूँ यहाँ पे। चलो, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पोल इज ईयर, दो जवाब। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पोल इज एक्टिविटी रेशियोज आर डैश कैपिटल डेब्ट एंड प्रोपराइटर रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो एंड करंट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो एंड डेब्ट टर्नओवर रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन कैपिटल। तो क्या है, वेरी गुड, क्या बात है, 67% लोगों ने सही जवाब दिए है। ओके, इधर लिखा भी था ना। आगे सवाल नंबर दो, जिनको मिलेगा 1 करोड़ का खोखा। सवाल नंबर दो सामने आएगा कुछ ही देर में,
ये हो गया, इसका जवाब आ गया। सवाल नंबर दो आ रहा है अपने सामने। ओके, तो थोड़ा होल्ड करो जब तक टाइम हो, तब तक बस दिमाग लगाने की कोशिश करो, इधर से मतलब पूरा इधर नजर मार लो जो भी दिख रहा है वो इधर तक। ओके, कहीं से भी घुस के आ जाएगा सवाल कोई भी। सवाल नंबर दो तुम लोग के सामने उठ रहा है अभी, मैं जरा तुम लोग के सामने डिस्प्ले में आए उसके पहले मैं तुम लोग को जरा एक रफ आइडिया दे दूं कि फॉलोइंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आर यूजफुल फॉर शेयर होल्डर्स। फॉलोइंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आर यूजफुल फॉर शेयर होल्डर्स। ऑप्शन नंबर वन है, ओरली थोड़ा भूल जाओगे ना इसके लिए रिटर्न दे रहा हूँ आज। ओके, लिक्विडिटी रेशियो एंड स्टॉक वर्किंग कैपिटल, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटरी फंड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, ऑपरेटिंग रेशियो एंड एक्सपेंस रेशियो। तो अब बोलो कि इसमें इक्विटी के लिए कौन आता है। आई सही रे, 100% जवाब सही है, वहां कसम मतलब अटैक आ जाए खुशी के मारे कि सबने सही जवाब दिया। सही है सही है सही है। अब तीसरा सवाल देखता हूँ मैं तुम लोग सही देते हो कि नहीं, क्योंकि ये ना मैंने पूरा घुमा दिया, टेक्स्ट बुक में जो दिया था ना उसको पूरा पूरा खा दिया मैंने, राक्षस बन गया था और अलग सवाल बनाया उसका। कुछ इस तरह से है, सवाल कुछ इस तरह से है कि द स्टैंडर्ड प्रोप्राइटरी रेशियो, द स्टैंडर्ड प्रोप्राइटरी रेशियो इज, आइला सर ने बोला ना इतना ध्यान दिया 65%, नहीं रुको जवाब देना मत, मुझे ऑप्शन देने दो। 65 to 100, 65%, 0.65 या ऑल द अबव, देखते बेसिक मैथ्स कितना है सबका। हम लोग कैलसी आ गया ना, तो कैलसी में दिमाग लगाने की तो आदत है नहीं। बोलो चलो, शाबाश, मैंने बोला था कि जवाब देना मत, फिर भी देखे फ्री। आंसर इज ऑल द अबव। कैसे, तो कैसे तो बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो ज्यादा घाय, उधर हाईवे पे मैं हमेशा पढ़ता हूँ अति गई संकटात नहीं। क्या बोला उन लोगों ने, 65% ना, 65% यानी क्या 100 में से 65, दैट इज इक्वल टू 65 to 100, और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो दैट इज इक्वल टू 0.65 मार्क। ओके, तो जवाब सिर्फ 25% लोगों ने सही दिया है, बाकी गई भैंस पानी में पूंछ के साथ। यस, तो आई गेस के ओरली पूछू इससे अच्छा ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, थोड़ा इंटरेक्टिव अपना लेवल पता चलता है अपने को कि कहाँ पे है आप। जब तक दूसरा सवाल आता है तब तक एक और सवाल, द मेथड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन विच इज बेस्ट इज ओरल और पोल। ओ या पी दे दो जरा मुझे, द मेथड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इज ओरल और पोल। वेरी गुड, दिशा से स्कोल, ओमकार से स्कोल, अपना लेवल पता चलता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज PBIT इज यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग डैश। ओके, PBIT दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग डैश। ऑप्शन है आपके नजर के सामने जिगर के पास, कोई रहता है वो है तुम। पोल आ रहा है आप लोग के सामने, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटरी फंड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर एंड अर्निंग पर शेयर। तो PBIT प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो वो किसके लिए जाएगा, और गई भैंस पानी में। अबाउ 55% लोगों ने अच्छा दिया है सवाल, मतलब जवाब, इट्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। PBIT मतलब क्या है, इंटरेस्ट गया नहीं गया, नहीं गया इंटरेस्ट के पहले का प्रॉफिट, उसके ऊपर किसका आके, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स का या डिबेंचर होल्डर्स का भी, सबका है ना, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, इस तरह से दिमाग लगाना है, ऑब्जेक्टिव है ठीक है, बट हम लोग ज्यादा घाई करेंगे तो अपना ही लॉस हो जाएगा। ओनली 55% हैव आंसर्ड इट करेक्ट, यही ईमानदारी के साथ मतलब कसम से अगर
यही ईमानदारी के साथ ऑब्जेक्टिव्स में भी एग्जाम दोगे ना, मतलब दिमाग लगा के, कल तक सब जवाब सही मिल रहे थे ना, आज पोल में देखो कैसे एक ही जवाब 100% सही आया, यानी कि सब लोग कॉपी कर रहे थे, या तो टेक्सटबुक से, या तो यहाँ से, या तो वहां से। अब पोल सिस्टम आ गई है तो टाइम मिल नहीं रहा है टेक्सटबुक में देखने का, फटाफट सिलेक्ट करना पड़ता है। बट नहीं, इतनी भी भाई मत करो कि खुद का लॉस कर बैठो, है ना। ओके, तो थिंक लॉजिकली। पीबीआईटी दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट के पहले, टैक्स के पहले जो भी प्रॉफिट है उसके ऊपर किसका हक होगा? सिर्फ ओनर्स का? नहीं, बोरोड का। हाँ, तो दोनों का मिल के अपना टोटल इन्वेस्टमेंट है ना, राइट। थिंक लॉजिकली, आंसर लॉजिकली। और इस टॉपिक का पांचवा और आज का, मतलब अभी पोल का आखिरी क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहा है। अ हाई जीपी रेशियो दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, अ हाई ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इंडिकेट्स डैश। ऑप्शन आपकी नजर के सामने पड़े हुए हैं, सोच समझ के जवाब देना। ओ माय गॉड, 100%, क्या बात है। पांच में से दो जवाब सही, यानी कि हम लोग ओवरऑल रिजल्ट हमारा कितना है? 40%, 60% गया। यानी अगर इस बेसिस पे देखो, इस बेसिस पे गवर्नमेंट को, मैं अभी अपना लेक्चर भी यूनिवर्सिटी के साथ शेयर करता हूँ कि आप ना ऐसे एग्जाम रखो पोल सिस्टम में, ताकि बच्चों को आउट ऑफ भी ना मिले और जिसका जो लेवल है उसके हिसाब से चले। व्हाट डू यू फील, यूनिवर्सिटी को रिकमेंड करो पोल सिस्टम, तो मेरे सागर को एक नौकरी मिल जाएगी उधर यूनिवर्सिटी में। यस, शुड बी रिकमेंड पोल सिस्टम इन यूनिवर्सिटी और नो? व्हाई और एन, शुड बी रिकमेंड पोल सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स इन यूनिवर्सिटी? व्हाई और एन, यस और नो? बोलो बोलो बोलो। नो, दीपांशु राय चौधरी, नो। यस, एक्चुअली यस, दीपांशु अपना ही लेवल में पता चलेगा ना। सर ये क्वेश्चन हमें पीडीएफ में, अरे पढ़ने नहीं मिला, ये क्वेश्चन हमें पीडीएफ में, ये क्वेश्चंस पीडीएफ में शेयर तो होना मुश्किल है बाबू, क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक से लिया है। वीडियो पॉज कर लेना, नॉट एन इशू, राइट। वीडियो रहने वाला है, वीडियो हमेशा के लिए, जब तक मैं रहूंगा मेरे बाद भी वीडियो रहेगा, डोंट वरी। अब तो जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक अपना वीडियो रहेगा, होना चाहिए ना। मैं तो बोल रहा हूँ एक्चुअली होना चाहिए, ये पोल सिस्टम यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड करनी चाहिए। एटलीस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम, इस वीडियो को शेयर करना अपने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे और लिख देना अ न्यू पैटर्न ऑफ आंसरिंग द एमसीक्यूज, ताकि लोग अट्रैक्ट हो, दिमाग चलाना सीखे और ईमानदारी से एग्जाम देना सीखे। देखो मैं कभी नहीं मानता, मेरा टीचिंग भी वैसा नहीं है कि टेक्स्ट बुक में ये है ये करो ऐसा हो जाए। मैं हमेशा आप लोग को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। रीजन इज ओनली वन, एजुकेशन इज फॉर लिविंग, नॉट जस्ट फॉर पासिंग एग्जाम, बराबर। तो समझा होगा तो ही हम लोग एग्जाम्स दे पाएंगे अच्छे से। लास्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 5 ऑफ योर मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कैपिटल बजटिंग। आई एम हैविंग मशीन ए, आई एम हैविंग मशीन ए which is costing rupees 10 lakh and I'm having machine B which is costing rupees 15 lakhs. तो कौन सा मशीन लेना चाहिए? मशीन ए 10 लाख, मशीन बी 15 लाख, कौन से मशीन में इन्वेस्ट करो? What do you think? एक लॉजिक क्वेश्चन, थोड़ा सा थोड़ा जवाब दे दो, कुछ भी जो तुम लोग को सही लगे। कुछ बोलेंगे ए, कुछ बोलेंगे बी, बट मैं जानना चाहता हूँ कि 24 में से कितने लोग क्या बोल रहे हैं। I'm having machine A 10 lakhs, machine B 15 lakhs. Okay, the Bhagyashree says 15 lakhs. Anyone else? Jo machine long time ho, 15 lakhs. Yukti Patil says, Krutika Patil says 15 lakhs. Anyone else? Mansi says 15 lakhs. Okay. अभी हर एक का अपना अपना खुद का राय है, बराबर। दीपांशी मतलब अपनी थोड़ी सी पॉलिटिशियन टाइप है, तो उसने एकदम मीडियम जवाब दे दिया, डिप्लोमेटिक। जो लेना है लो, मेरे को क्या करना है ना। देखो जो मशीन ज्यादा दिन चले, ये मिताली कॉपी किया, मिताली वेरी रॉन्ग ना, दिस इज रॉन्ग, चीटिंग। 10 लाख, 15 लाख। अब इसी को थोड़ा सा अपन लेवल बढ़ा देते हैं। ओके, देखो लेवल ये बढ़ाते हैं कि मशीन ए
जो 10 लाख की है इज गिविंग यू डबल प्रोडक्शन, ओके। मशीन ए विच इज ऑफ 10 लाख इज गिविंग यू डबल प्रोडक्शन देन प्रेजेंट, एंड मशीन बी विच इज ऑफ 15 लाख इज गिविंग यू सेम प्रोडक्शन। अब कौन सी मशीन को, अब कौन सी मशीन को, 10 लाख की मशीन है लेकिन वो डबल प्रोडक्शन दे रही है, 15 लाख की मशीन है लेकिन वो प्रोडक्शन उतना ही दे रही है, कौन सी होगी? अब 10 लाख, एक जवाब आया 10 लाख, दूसरा भी 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। अब एक, अभी सबको एक स्टैंडर्ड मिल गया है ना, नहीं अब तो 10 लाख की हिंडी गवारी कुछ भी होगी, ठीक है। इसी को जरा और एक स्टैंडर्ड ऊपर लेके जाते हैं। मशीन ए 10 लाख की है जो कि डबल प्रोडक्शन देने वाली है, बराबर, लेकिन उसकी लाइफ 5 साल है, ठीक है। मशीन ए जो कि डबल प्रोडक्शन देने वाली है 10 लाख की, उसकी लाइफ 5 साल है। मशीन बी जो कि 15 लाख की है, उसकी प्रोडक्शन लेवल उतनी है लेकिन उसकी लाइफ 15 साल है। अब कौन सी होगी, अब कौन सी, मशीन ए या मशीन बी? आई रिपीट, 10 लाख की मशीन, प्रोडक्शन डबल लेकिन 5 लाख की, 5 साल की लाइफ है। 15 लाख की मशीन, प्रोडक्शन उतना ही लेकिन 15 साल की लाइफ है। वेरी गुड, शाबाश, मतलब आई एम हैविंग ऑल द थिंकिंग मेंबर्स विथ मी, राइट। आप लोग बिजनेस करना चाहो बिंदास करो, अच्छा ही डिसीजन लोगे, क्यों? क्योंकि मेन इन्वेस्टमेंट जो होती है फिक्स असेट्स की, उसके पीछे आप लोग को एक लॉजिकल, एक रीजनिंग, एक नॉर्मल रैशनल थिंकिंग वाला दिमाग भगवान ने दिया हुआ है, ओके। और मैंने भी है ना, मैंने तो सोचना सीखा है सर, आगे। सो कैपिटल बजटिंग इट्स बेसिकली डन एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट्स, बराबर। बड़ी अमाउंट में इन्वेस्ट करना हो तो आपको बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, फिक्स एसेट्स एक्विजिशन करना है तब आपको जरूरत पड़ेगा, डिसीजन लेकिन केयरफुली, है कि नहीं, सोच समझ के डिसीजन लेना, वरना एक छोटा सा गलत डिसीजन और वाट लग जाएगी। पहले मशीन वाले ने बोला ही नहीं कि भाई ये 5 साल चलने वाली, हम लोग ने लालच में ले लिया, लेकिन जब भी मशीन लोगे या जब भी कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करोगे या जब भी कोई फिक्स एसेट्स में डालोगे तो उसके हर एक कोने से सोचो कि भाई ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है, इसको हमें ऑप्शन में जाना है या नहीं जाना है, ठीक है। और तभी ये डिसीजन लिए जाते हैं when selecting options for the investment, ये भी था। वैसे 5-6 मशीनरी के ऑप्शन हो सकते हैं, 5-6 फर्नीचर के ऑप्शन हो सकते हैं, 5-6 बिल्डिंग के ऑप्शन हो सकते हैं। यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल व्हाइल मेकिंग दिस डिसीजंस, राइट। अब इन डिसीजंस में आप लोगों ने क्या कंसीडर किया, सबसे पहले वेरी फर्स्ट एग्जांपल यू कंसीडर व्हाट, प्राइस। जिसने सोचा 15 लाख है वो बोलता है 15 लाख का मतलब मशीनरी अच्छा होगा, उसने 15 लाख किया, जिसको लगा 10 लाख सस्ता पड़ेगा उसको ले लेते हैं, उसने उसको लिया। दीपांशु और एक हर्षिता शायद से नाम भूल गया, उन लोगों ने एकदम अपना पॉलिटिशियन वाला डिप्लोमेटिक आंसर दिया, जो ज्यादा चलेगी वो है कि नहीं, जो लेनी हो, ठीक है। मिताली शीर्षार्थी, मिताली शीर्षार्थ, राइट। तो वैसे सेकेंड मैंने क्या बोला कि एक की लाइफ इतनी है दूसरे की लाइफ इतनी है, तो आप लोगों ने मशीन ए से, थर्ड बारे में। सेकंड में मैंने क्या बोला, एक का प्रोडक्शन डबल हो रहा है दूसरे का प्रोडक्शन उतना ही रह रहा है, तो आप लोगों ने सोचा किसके हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से, ज्यादा प्रोडक्शन देगा उसको लेंगे, बराबर। सो डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग एंड देन सिलेक्टिंग द परफेक्ट और द एक्यूरेट और द मोस्ट सूटेबल असेट इज नथिंग बट कैपिटल बजटिंग। तो यही सब चीजें आपकी मेथड्स बनती है। सबसे पहले आप क्या सोचते हो, कैश फ्लो। अब कैश फ्लो यानी क्या, कैश फ्लो में कितना कैश आएगा और कितना कैश जाएगा। मैं आज 15 लाख डालूंगा लेकिन मेरे 15 लाख वसूल कब होंगे, डिपेंड है कि नहीं। मशीनरी ए 5 साल चलने वाली तो शायद ही वो मुझे पैसा वसूल करके दे रहे पूरा, 5 साल में तो उसका खुरखुर हिलने लग जाएगा, करेक्ट। तो मुझे सोचना पड़ेगा कैश फ्लो में कितना कैश आएगा और कितना कैश जाएगा, तो इतना पास बचने वाला है। जिस मशीनरी का कैश आपके पास ज्यादा बचने वाला है वो आपके लिए अफोर्डेबल है, वो आपके लिए सुटेबल है, उसी में आपने इन्वेस्ट करना चाहिए, बराबर। सेकेंड है पे बैक पीरियड,
जिसका पैसा सबसे जल्दी वसूल होगा उसको। अब आई गेस हम लोगों ने सिर्फ चार ही सम सॉल्व किए, चार या पांच ही। आई एडवाइस योर कि हर एक जन को चार पांच सम बहुत ध्यान से देख लेना, इस टॉपिक को पूरी तरह से करना, मतलब इंट्रोडक्शन भी और सम्स भी, सो दैट यू कैन आंसर द शॉर्ट क्वेश्चंस वेरी इजीली। अभी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ क्योंकि पोल में टाइप करना पड़ता है और तब जा पाया। देन तेरा प्रॉफिटेबिलिटी, इतना डाल के इतना कमाएंगे तो इतना प्रॉफिट होगा इतने सालों में। द रिलेशन बिटवीन द प्रॉफिट अर्न विद द इन्वेस्टमेंट मेड इज नथिंग बट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। अगेन आई रिमाइंड कि आंसर्स देख लेना एक बार वो चारों सम, तो ये सब चीजें एकदम फिट दिमाग में बैठ जाएगी। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न्स एंड लास्ट है नेट प्रेजेंट वैल्यू। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न्स, रिटर्न्स क्या है, कितना आपने कमाया और उसके लिए एवरेज कितनी इन्वेस्टमेंट था, दैट इज व्हाट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न्स इज। और लास्ट है नेट प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर्स। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर्स यू हैव लर्न इन स्कूल समवेयर बट वो उतना काम नहीं आया था। देन आप लोगों ने FY बीकॉम में सीखा था, मैथ्स में आधों को समझा था आधों को नहीं समझा था, बट मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे ढूंढना है। मैंने हर सम का सॉल्व करके आपको बताया है, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर का फॉर्मूला दिमाग में अच्छे से रखना। बेस्ड ऑन दैट यू मे हैव सम क्वेश्चंस। ओके, इस टॉपिक का दो क्वेश्चन आ सकता है, प्रैक्टिकल वाला कैलकुलेशन पार्ट वाला है। यस, अभी इस टॉपिक पे और किसी को कुछ पूछना है मुझे कि अपन पोल शुरू करें, डाउट और पोल, डी या पी, डाउट और पोल। डाउट और पोल, बस तो पोल के लिए थोड़ा सा अपने को रुकना पड़ेगा। एज आई सेड कि पोल के लिए क्वेश्चन टाइप करने पड़ते हैं और फिर जवाब मिलते हैं। ओके, तो जस्ट वेट फॉर सम टाइम, टिल देन अगर किसी को कुछ डाउट है तो मुझे पूछ लो, और एक एक पोल 5-5 मिनट के लिए ही रहने वाला है, ठीक है, तो फटाफट जवाब देना लेकिन ठंडे दिमाग से सोच समझ के। रिकमेंड करो क्या पोल का सच में, आज ये लिंक शेयर करना सब लोग अपने अपने सोशल मीडिया पे, आंसर द पोल ऐसा करके, देखते कितने लोग देखते अपना वीडियो, दूसरे कॉलेज के भी बच्चे होंगे ना, सुन अपने सब्सक्राइबर तो है, अलीबाग के हैं, घाटकोपर के हैं, मलाड के हैं, मुंबई सेंट्रल के हैं। तो पहला पोल आप लोग के सामने आ रहा है, क्या आ रहा है इंग्लिश में, इंग्लिश में आ रहा है कि कैश इनफ्लो फॉर कैपिटल बजटिंग डिसीजन मींस, कैश इनफ्लो फॉर कैपिटल बजटिंग डिसीजन मींस डैश, मींस डैश। तो द ऑप्शंस आर क्या है ऑप्शंस में, सबसे पहला ऑप्शन है अकाउंटिंग प्रॉफिट माइनस डेप्रिसिएशन प्लस टैक्स, एपी बोले तो अकाउंटिंग प्रॉफिट। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज प्रॉफिट प्लस टैक्स लेस डेप्रिसिएशन, सी इज प्रॉफिट लेस टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, एंड डी इज प्रॉफिट लेस डेप्रिसिएशन लेस टैक्स। तो जवाब अब मैं दूं मेरा, देखते हैं, ओनली 54%, क्या बात है, देखो लेवल है ना। हाँ, तो जब भी हम लोग कैश इनफ्लो ढूंढते हैं, मैंने यहाँ पे बताया नहीं है क्योंकि इंट्रोडक्शन में बराबर से बताया हुआ है। सी व्हाट व्हेन एवर आई एम टेकिंग माय कैश इनफ्लोस, तो करना क्या है अपने को कैश इनफ्लो दौड़ते वक्त ध्यान रखना कि कैश इनफ्लो इज व्हाट, इट इज प्रॉफिट। डेप्रिसिएशन क्या एक्चुअली अपना कैश बाहर जाता है क्या, नहीं ना, वो तो हम लोग सिर्फ चार्ज करते हैं, तो यानी कि उतना पैसा भी बिजनेस में आया, आपने पीएनएल में डेबिट डेप्रिसिएशन किया था ना, ऐसा ऐसा था, बट पैसा उड़ी गया उसमें, तो उसको ऐड कर दिया और फिर हम लोग लेस कर देंगे टैक्स, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हमेशा होता है ऐड और टैक्स हमेशा होता है लेस। ओके, बढ़े आगे दूसरे पोल से। तो
54% अपनी गाड़ी रुकी थी। अब देखते हैं पोल नंबर टू, कैपिटल बजटिंग इज द प्रोसेस, कैपिटल बजटिंग इज द प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ व्हाट, ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस फॉर डैश। पहले ऑप्शन देख लेना ध्यान से, उसके बाद आंसर देना। ओके, कैपिटल बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस फॉर डैश। ऑप्शन नंबर वन है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, टू है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, थ्री है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड फोर है नन ऑफ द अबव। ओके, कैपिटल बजटिंग इज द मेथड यूज फॉर डैश डिसीजंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या नन ऑफ द अबव। तो आंसर देखते हैं अभी क्या आता है, और पोल यहां से रिलीज हो रहा है, हो गया है। दो जवाब आया 100%, क्या बात है, पूछा है पोल वाले, वही पूछा है। तो पोल नंबर तीन, पोल नंबर तीन, थोड़ी देर रुकते हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया होगा छुपे छुपे, तो उनके लिए देखते हैं, तब तक अपना पोल भी आ जाएगा, टाइप हो जाएगा। अरे मेरा नेटवर्क गया, पोल टाइप नहीं हो रहा, आया आया। व्हाट इज द सोर्स ऑफ फंड, What is the source of funds for capital expenditure? What is the source of fund for capital expenditure? The options are external sources only, internal sources only, both external and internal, and all the above. None of the above. फोर्थ वाला कर दे, नॉन ऑफ द, फोर्थ वाला करते हैं नॉन ऑफ द। चलो बोलो, हाँ अब ये क्यों आ रहा है 100%, मुझे पता है क्योंकि टेक्स्ट बुक से है ना, तो आधों ने तो बाय हार्ट किया होगा इसके लिए। अब मैं टाइप करूंगा, मैं यहां से डिक्टेट करूंगा, वहां से कोड आपका टाइप होगा, फिर देखते हैं। ओके, फिर देखते हैं कितना क्या आता है। लो करें शुरू, करते हैं शुरू। अंडर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न्स मेथड, अंडर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न्स मेथड, डैश डैश इज टेकन इनटू अकाउंट, डैश इज टेकन इनटू अकाउंट। ऑप्शंस आर कैश इनफ्लो, देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन, बिफोर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन, but before depreciation, profit after depreciation and tax. Okay, profit after depreciation and tax. So answer is, क्या है आंसर उसका, क्या है आंसर, आ गया, अब आ गया 75%। अब मेरे को थोड़ा तसल्ली होती है कि ये कॉपीड नहीं है, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये भी टेक्स्ट बुक से ही वैसे का वैसा लिया था, मैंने सिर्फ ऑप्शंस घुमा दिए थे ऊपर नीचे का, ठीक है। तो खुराबादी दिमाग के साथ
नहीं करने का, ईमानदारी से जवाब देने का। लास्ट क्वेश्चन पोल का, लास्ट क्वेश्चन पोल का आ रहा है आप लोग के सामने इन अ मिनट, ठीक है। तो दिमाग लगाने की आदत डालो बाबा, जितना दिमाग लगेगा उतना हमारे काम आएगा, है ना। पोल कंप्लीट, पोल व्हाट इज द सोर्स, 93% देन अंडर अकाउंटिंग ऑफ रिटर्न्स 57%, ठीक छे। अब देखते हैं आखिरी इस सेशन का पोल। ये पोल सिस्टम मुझे भी मजा आ रहा है, थोड़ा सीरियसली अच्छा लग रहा है। नेट सालवेज वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट इज इक्वल टू, नेट सालवेज वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स इज इक्वल टू डैश एक्सेस ऑफ सैलवेज वैल्यू ओवर बुक वैल्यू, एक्सेस ऑफ बुक वैल्यू ओवर सैलवेज वैल्यू, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इन द फर्स्ट ईयर, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इन द फर्स्ट ईयर एंड सैलवेज वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स, सैलवेज वैल्यू ऑफ फिक्स असेट लेस लेस एनी इनकम। सर्विस वैल्यू लेस एनी इनकम, चलो दो जवाब। फोर्थ ऑप्शन है सर्विस वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स लेस एनी इनकम। फोर्थ ऑप्शन थोड़ा सा अधूरा रह गया है क्योंकि उधर टाइपिंग का लिमिट है वर्ड्स का। हाँ ये टेस्ट बुक देखा ना इसके लिए है, मैंने बोल दिया ना कि मैंने टेक्स्ट बुक से पूछा। अब आएगा पूरा बातें दिमाग। और एक लो करो टाइप, अब होगा टाइप और अब पता चलेगा लेवल किस हद पर पढ़ाई हो रही है और कितनी हो, है ना। अब पोल शुरू हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि फॉर फाइंडिंग, मैं क्यों तुम लोगों को क्वेश्चन बताऊं, मैं म्यूट कर दूंगा ना यहाँ पर, माइक यहीं पर रखूंगा। अब मजा कर रहे हो थोड़ी सी। चल अब जो जवाब देगा उसको मेरी तरफ से, एक क्या कैडबरी का खोखा, खाली 1 करोड़ सवाल दो। चलो शाबाश शाबाश, 100% ने जवाब दिया गलत। सैलरीज को हम लोग क्या करते हैं, इनफ्लो में ऐड करते हैं, right? कितना पैसा आएगा तो जो भी आप प्रॉफिट कमाने वाले हो वो, और एट द एंड जो आप भंगार में बेचोगे वो भी तो आपका इनफ्लो होगा ना। तो इनफ्लो हम लोग क्या करेंगे ऐड। तो प्लीज डोंट लिमिट योरसेल्फ ओनली टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टेक्स्ट बुक, अपने आप को बहुत बड़े लोचे में डाल दोगे। यस एज इट इज के नॉलेज है तो नॉलेज को लिमिट नहीं है। आप ये भी नहीं कह पाओगे कि हम लोग को तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया, सिलेबस वही है बस दिमाग अलग अलग है पूछने वाले, राइट। अगर हमने फ्रेम करके आपको ऑब्जेक्टिव पूछना शुरू कर दिया तो लोचा हो जाएगा। तो रन योर ब्रेन्स, बहुत आराम कर लिए 1.5 साल, अभी दिवाली बाद कॉलेज शुरू हो रहे हैं, राइट। तो वो भी होना चाहिए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, दूसरे अकाउंट्स का आपको प्रीमियर चाहिए या नहीं चाहिए, यस और नो, या कोई और सब्जेक्ट का चाहिए, वो मुझे सब्जेक्ट बोल दीजिए।
दूसरे अकाउंट्स का लेक्चर कल चाहिए, मतलब कल मैं प्रीमियर डाल दूंगा, कल लाइव नहीं आ पाऊंगा क्योंकि दशहरा है, तो आप लोग भी एंजॉय करो, मैं भी एंजॉय करूंगा, मैं कल सुबह रिकॉर्ड करूंगा और उसको प्रीमियर कर दूंगा। ओके टुमारो इट्सेल्फ बिकॉज 16 इज योर पेपर राइट। अच्छा तो मैं काम करूंगा, दो तीन वीडियो बना के डाल दूंगा क्योंकि टॉपिक्स उसके अलग अलग हैं और उन टॉपिक्स के हिसाब से वी हैव टू थिंक। ओके सो टुमारो यू विल बी हैविंग नियरली टू प्रीमियर्स एट डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स। एक दोपहर के टाइम पे आ जाएगा क्योंकि तब खाना खाओगे और नींद आएगी, बट पढ़ना तो है ही ना, तो मैं पढ़ा दूंगा दोपहर के टाइम पे, दो या तीन बजे का एक प्रीमियर हो जाएगा और एक प्रीमियर हो जाएगा शाम को 5:30 का। ओके ताकि 5:30 को प्रीमियर देख लिया, हम लोग लेक्चर देख लिया, फिर सोना देने निकलेंगे, यहाँ वहाँ सोना दिया रूप ध्यान दशहरे के आशीर्वाद देंगे लोगों के। यस तो आई होप कि टूडेज लेक्चर वॉज सेटिस्फाइंग, ऑल वेर हैप्पी। आंसर द पोल, दम है तो आंसर द पोल, ऐसा करके अपनी लिंक आज की शेयर करो। वी विल स्टॉप फॉर द डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एटलीस्ट फॉर माय सब्जेक्ट। फॉर एफए हम लोग मिलेंगे कल और उसका भी ऑल द बेस्ट होता है। ठीक है किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, वेलकम, ऑलवेज वेलकम। बाय बाय, टाटा, सी यूज एंड गुड नाइट्स। अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, ठीक है, चलो बाय।